क्षेत्र में हमारे 3 होम शेल्टर बनाए गए हैं, जिसमें करीबन 400 व्यक्ति हमारे पास ठहरे हुए हैं। समय समय पर उनकी रेगुलर हम मेडिकल जांच कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति में किसी भी प्रकार के कोई सिम्टम अभी तक नहीं आए हैं और प्रशासन रेगुलरली विजिट कर रहा है। हमने SHO जो हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स हैं, नोडल ऑफिसर्स हैं, उनकी हमने ड्यूटी लगाई हुई है और पैनी नज़र रखी जा रही है। किसी भी प्रकार का किसी व्यक्ति में अगर कोई हमें सस्पेक्टेड नज़र आता है या कोई सिम्टम्स है तो उसकी तुरंत टेस्टिंग की जा रही है। नहीं, इस प्रकार की कोई, क्योंकि कल मैंने और SDM साहब ने दोनों ने ही वहाँ विजिट किया था जो हमारा क्वारंटाइन सेंटर है, और हमने वहाँ पे एक सोशल डिस्टेंस बना के उन व्यक्तियों से बातचीत भी की थी, तो इस प्रकार की हमारे सामने कोई, प्रशासन के सामने इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है। और वहाँ पर भी हमने जो अधिकारी हैं उनकी ड्यूटीज लगाई हुई है और यही सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को क्वारंटाइन सेंटर में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। देखिए, कई सामाजिक, धार्मिक और कई समाज सेवी आगे आए हैं राशन बांटने के उसमें, और हमें बहुत सारी किट्स उन्होंने प्रोवाइड करी हैं। अब तक तकरीबन 900 हमने राशन किट्स बांटी हैं, जिसमें एक परिवार के 5 व्यक्तियों के लिए लगभग 10 दिन का राशन उपलब्ध है। हमें जैसे भी कोई डिमांड या कोई लिस्ट हमें मिलती है, और हम अपने लेवल पे भी वार्ड वाइज हमने सर्वे कराए हैं उनको, हम जैसे ही कोई हमको जेन्युइन डिमांड रहता है हम तुरंत उनको राशन उपलब्ध कराए हैं। गढ़ क्षेत्र में करीबन 130 व्यक्ति हैं ऐसे जिनको होम क्वारंटाइन किया गया था। उनमें से 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने क्वारंटाइन जो नॉर्म्स हैं उनका उल्लंघन किया। उन दोनों व्यक्तियों के खिलाफ 2 सेपरेट FIR हमने दर्ज की है। सोशल मीडिया पे भी हम रेगुलर नज़र रख रहे हैं, कोई फेसबुक या व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी फेक न्यूज़ ना फैलाए। 2 दिन पहले हमने इस संदर्भ में भी एक IT एक्ट में एक मुकदमा दर्ज किया है। एक व्यक्ति ने एक फेक न्यूज़ फेसबुक के माध्यम से फैलाई और उसको जगह जगह पर शेयर किया, उसके खिलाफ हमने उचित कार्रवाई की है। तो हमारे कंट्रोल रूम जो हैं वो CCTV कैमरों की मदद से भी जो स्थिति है इस पर नज़र बनाए हुए हैं। कोई बात नहीं बेटा, कोई परिवार मानो हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है बेटा, ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई किसी से नहीं मिल रहा है, समझ गए आप। आपको यहाँ कोई दिक्कत हो तो वो बताओ कि आपको किसान कर रहा है, आपकी फैमिली से आप अलग हो। नहीं है कुछ नहीं, मेरे भाई के पास मुझे भेज दो, नहीं तो यही बुला दो बस। वो अकेला है, उसे यहीं बुला दो, हम लोग 9 बंदे तक है। अच्छा, एक आदमी है? हाँ, इन्हीं का भाई है। कोई बात नहीं, करवा देंगे, हो गया बस, अब हो गया ना। ये रो रही, सुबह से रो रही। कोई बात नहीं, चिंता ना करो बेटा, चिंता मत करो, हो जाएगा।